मध्य प्रदेश में लोग नए साल का जश्न खुलकर नहीं मना सकेंगे। सरकार ने तत्काल प्रभाव से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। ऐसे में लोग रात 11 से सुबह 5 बजे तक घर से नहीं निकल सकेंगे, यानी रात 12 बजे नए साल के जश्न की जो तैयारियां हैं उन्हें झटका लगा है। सरकार ने 17 नवंबर को नाइट कर्फ्यू सहित कोविड की सभी पाबंदियां हटा दी थी। 37 दिन बाद अब फिर से केस बढ़ने के चलते नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है। कई महीनों बाद कोविड के 30 नए प्रकरण मिले हैं। उपरोक्त सभी कारणों को देखते हुए मुझे अंतर आत्मा से लगता है कि ये सही समय है जब हम सचेत हो जाएं, कोविड की तीसरी लहर को आने से रोकें, तेजी से संक्रमण ना फैले, इसके लिए हर आवश्यक उपाय करें। और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भारत सरकार ने भी कुछ गाइडलाइन जारी की है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब देर ना करें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, अनावश्यक भीड़ में ना जाएं, अनावश्यक जमावड़ा ना हो। हम आज एक फैसला और कर रहे हैं कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। केंद्र की चेतावनी के बाद कई राज्यों ने पाबंदियां लगाई है। मध्य प्रदेश में 37 दिन बाद एक बार फिर नाइट कर्फ्यू लग गया है। रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी गई है। यूपी के नोएडा लखनऊ में भी धारा 144 लागू हुई है। तेलंगाना के गडेम गांव में 10 दिन का लॉकडाउन लग चुका है। कर्नाटक में न्यू ईयर जश्न पर रोक लगा दी गई है। वहीं तमिलनाडु में टीकाकरण अनिवार्य है। महाराष्ट्र में पब्लिक सेलिब्रेशन पर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। वहीं ओडिशा में भी नई ईयर न्यू ईयर पार्टियों पर रोक लगा दी गई है। गुजरात के 8 प्रमुख शहरों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है।